गर्भावस्था का 40वां हफ्ता और प्रसव का कोई संकेत नहीं, क्या यह सामान्य है? अगर आप गर्भावस्था के 40वें हफ्ते में होती हैं, तो आप ये जानती हैं कि अब किसी भी दिन आपका बच्चा दुनिया में आ सकता है, इसलिए आपका शिशु के लिए व्याकुल होना सामान्य है। अगर आपको अभी तक लेबर पेन शुरू नहीं हुए हैं या फिर प्रसव के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है ये केवल आपके साथ ही हो रहा है। हालांकि 90% बच्चे जो हैं 37वें हफ्ते से लेकर 40वें हफ्तों के दौरान पैदा हो जाते हैं, लेकिन यहाँ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको 40 हफ्तों के बाद भी प्रसव के कोई लक्षण महसूस ना हो, तो आपको डॉक्टर से अवश्य मिलना चाहिए, क्योंकि उसके बाद ज़्यादा देर वेट करना ठीक नहीं होता, क्योंकि 42 हफ्तों के बाद शिशु को पोषण मिलना काफ़ी हद तक कम हो जाता है। अगर आपको प्रसव के संकेत नहीं मिल रहे हैं, तो आप अपनी तरफ से क्या क्या चीज़ें कर सकती हैं। निप्पल को उत्तेजित करें। दोस्तों, निप्पल को उत्तेजित करने की कोशिश करें, हालांकि ये थोड़ा असहज हो सकता है। निप्पल को उत्तेजित करना प्रसव को प्रेरित करने का एक शानदार तरीका है। यदि आपको यह दर्दनाक या असहज लगता है, तो आप अपने लिए स्तन पंप का उपयोग भी कर सकती हैं, और यह ऑक्सीटोक्सिन का उत्पादन करने में मदद करता है, और यह वह हार्मोन है जिससे आपको ऐंठन होगी, जिससे आपको लेबर पेन शुरू होंगी। सीढ़ियाँ चढ़ें। हो सकता है कि आपको ये सुनने में थोड़ा अजीब लगे, लेकिन सीढ़ियाँ चढ़ने से वास्तव में जल्द प्रसव को प्रेरित करने में मदद मिल सकती है। सीढ़ियाँ चढ़ने से आपकी योनि पर दबाव पड़ता है, और ऐसा करने से आपके प्रसव की संभावना बढ़ जाती है। शारीरिक संबंध बनाएं। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। अपने साथी के साथ शारीरिक संबंध बनाने से आपका बच्चा जल्दी बाहर आने के लिए तैयार हो जाएगा। आपके द्वारा अनुभव किया गया संभोग संकुचन यानी कि कॉन्ट्रैक्शन की गति को प्रदान करने में मदद करता है। अगर 40वें हफ्ते के दौरान भी आपको प्रसव के लक्षण महसूस ना हो, तो आप अपने पति के साथ संभोग यानी संबंध बना सकती हैं। इससे आपको प्रसव में काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपके कोई सवाल और सुझाव हैं, तो आप मुझे ज़रूर पूछें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।